वी हैव गॉट राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट. इसके पहले जो मैंने लिखा था दैट वॉज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अभी जो मैं बता रहा हूं दिस इज राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स. अब देखिए बिल्कुल साधारण सा लॉ है. जितना ज्यादा ए के मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा ए के सरफेस मॉलिक्यूल्स उड़ने की टेंडेंसी दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अधिक होगा यदि सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स ज्यादा, और सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे यदि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. और इसी तरह से बी का पार्शियल वेपर प्रेशर अधिक होगा यदि सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा, और सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे यदि बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. बिल्कुल साधारण सा यह कंसेप्ट होगा. अब हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों जगह से हटा के इक्वालिटी साइन लगा दूंगा और एक कांस्टेंट लगा दूंगा. पी ए वुड बी इक्वल टू के वन एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू के टू एक्स बी. मुझे K1 की वैल्यू भी डिटरमाइन करना है, मुझे K2 की वैल्यू भी डिटरमाइन करना है. दोनों को सेपरेटली, दोनों को अलग अलग डिटरमाइन करता हूं. पहले K1 की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं. इफ आई टेक अ सॉल्यूशन जिसमें XA की वैल्यू 1 हो जाए, यदि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना लूं जिसमें XA की वैल्यू 1 हो, XA की वैल्यू 1 होना मतलब क्या? XA की वैल्यू 1 होना मतलब वहां पर प्योर A है, वहां पर कोई बी है ही नहीं. इन दैट केस ऑटोमेटिकली एक्स बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. और यदि वो प्योर ए हो गया तो वहां पर जो पी ए है वह हो जाएगा पी ए नॉट. इस कंडीशन को मैं इधर लगा दूं, पी ए की जगह लिख दूं पी ए नॉट, के वन की जगह के वन और एक्स ए की जगह वन. एक्स ए वन कर दिया, पी ए की जगह पी ए नॉट, एंड वी गॉट दैट K1 is equal to PA0. और फाइनली मैं यह इक्वेशन लिख देता हूं, PA is equal to PA0 XA. Partial vapor pressure of A is equal to PA0 XA. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स. अब मैं के टू की वैल्यू निकाल देता हूं. के टू की वैल्यू निकालने के लिए वंस अगेन मैं कंडीशन लगाऊंगा. इफ एक्स बी इज वन, यदि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊ जिसमें एक्स बी की वैल्यू वन है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्स ए जीरो हो जाएगा. इसका मतलब वहां प्योर भी है, ए कुछ है ही नहीं. और यदि वहां पर प्योर भी है तो पी बी की वैल्यू होना चाहिए पी बी नॉट. अब मैं इस कंडीशन को इधर अप्लाई कर दूं,
तो पीबी की जगह मैंने लिख दिया पीबी नॉट, के टू मुझे डेटा माइन करना है और एक्सबी की जगह 1, तो इससे मुझे समझ में आ गया दैट के टू इज इक्वल टू पीबी नॉट। और इस के टू को फिर इधर रख दूं तो मुझे समझ में आ गया दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी। हमने जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर डेल्टन्स लॉ से लिख राउल्ट्स लॉ से लिख दिया। अब मैं डेल्टन्स लॉ के कंसेप्ट से लिख रहा हूं पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, पीए की जगह पीए नॉट एक्स है, और पीबी की जगह पीबी नॉट एक्स भी। हमने यह बात लिख दी। एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1, मैं इस इक्वेशन को प्योर एक्स ए के टर्म्स में लिख सकता हूं। यदि मैं लिख दूं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, मैं इधर लिखकर एक बार देख लेता हूं पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। नॉट एक्स ऐसा कैसे लिखा रहने दिया प्लस पीबी नॉट ऐसा कैसे ही है और एक्स बी की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स। और वहां पर जो मुझे दिखने लगेगा पी एस इज इक्वल टू पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए। इफ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, और यदि मैं एक्स बी के टर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए की जगह एक्स 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां पी एस दिखने लगेगा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। आई मे राइट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर। This is the vapor pressure of resulting solution.